गाइस, क्या हालचाल है सबके। सो गाइस, आज हम लोग एक और प्रोडक्ट का रिव्यू थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, मैं यहां पे बात कर रहा हूं फास्ट एंड आपका वे एसेंशियल प्रीमियम वे ब्लेंड विद एट द डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो गाइस, इस प्रोडक्ट को मैंने बाय किया इनकी डायरेक्ट ऑफिशियली वेबसाइट से, क्योंकि वहां से बाय करने का मतलब ये था कि एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें उनकी वेबसाइट से देखने को मिलेगा। तो मैंने वहां से ही इसको बाय किया। अगर आप भी ऐसा ही इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां से आके बाय कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। सो गाइस, देखिए इस प्रोडक्ट के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स में बारे में बात करेंगे, इसकी मिक्सिबिलिटी चेक करेंगे, इसका टेस्ट चेक करेंगे कि क्या कैसा टेस्ट देखने को मिलता, और कुछ दिन मैं इसको यूज करूंगा, उसके बाद एक रिजल्ट का वीडियो भी हम लोग लेके आएंगे आपके लिए। सो गाइस, देखिए इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेता हूं। गाइस, अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो गाइस ये इंडियन प्रोडक्ट है। तो गाइस, इसको जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है फुल लाइफ हेल्थ केयर कंपनी है, जो एक मुंबई में कंपनी है और काफी ओल्ड कंपनी है, और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है आपको देखने को मिलेंगे इनकी वेबसाइट के अंदर। जिस फॉर्म में भी आप यूज करना चाहते हैं, आपकी नीड है जो, वहां से आप बाय कर सकते हैं। वेबसाइट से यूज बाय करने का यही फायदा होता है कि यार एकदम बढ़िया प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। अब मैंने इसकी जब इसकी पैकिंग खोली मैंने, तो बहुत अच्छी पैकिंग के साथ ये आता है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। जब मैंने खोला इसको तो बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ आता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ब्रांडिंग लगी रहती है कंपनी की, इनके ब्रांड की। तो मैंने इसको खोला तो आपको देख ही सकते हैं वीडियो के अंदर, तो काफी अच्छी पैकिंग के साथ ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। सो गाइस, अगर इसके मैं थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो गाइस इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत ही क्लीन है, कोई भी आलतू फालतू चीजें ऐड करके ऐसा प्रोफाइल को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की। मैं जहां पे आपको थोड़ा सा वेब जो इंग्रेडिएंट्स है शेयर करता हूं, तो ये जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि एक ब्लेंड है, दो तरह के प्रोटीन इसके अंदर ऐड किया गया है, और इसके अंदर जो ऐड किया गया है प्रोटीन वो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और दूसरा है वे प्रोटीन आइसोलेट। तो गाइस ये दोनों का ब्लेंड आपको देखने को मिलता है, और भी कुछ चीजें इसके अंदर है, जैसे इसके अंदर आपको डाइजेस्टिंग एंजाइम्स मिल जाए, कोकोई पाउडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है इसके अंदर, जो प्रोफाइल है इसकी, जो इंग्रेडिएंट्स की बहुत ही क्लीन लगी मुझे, और ऐसी ही प्रोफाइल चाहिए। जो चीजें जरूरत होती है वही चीजें ऐड करनी चाहिए इंग्रेडिएंट्स के अंदर, फालतू चीजें ऐड करके प्रोफाइल को बड़ा करना मेरे को लग रहा है फालतू गिरी रहती है, बहुत सारी कंपनियां करती है। तो जैसे इसके अंदर आपको मेल्टोडेक्सिन नहीं देखने को मिलेगी, आर्टिफिशियल कलर नहीं देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें जैसे जैसे गम्स वगैरह होते हैं, ये सब चीजें ऐड नहीं की। तो वो एक अच्छी, इसलिए मैंने इसको बोला एक क्लीन प्रोडक्ट। अब इसके मैं अगर फिल्ट्रेशन के बारे में बात करूं, तो गाइस यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज किया गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन के जो अफेक्शन होते हैं, जैसे अमीनो ग्लोबिन और दूसरा लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये गाइस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इस फिल्ट्रेशन के अंदर। और एक दूसरा फिल्ट्रेशन आता है जिसको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज करके आता है, तो गई उसके अंदर क्या होता है, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। और सबसे बेस्ट जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम नेचुरल फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जो इस प्रोडक्ट को किया गया है। तो सबको जो भी अभी जब भी आप चेक करते हैं फिल्ट्रेशन, तो ये जरूर चेक करो कि ये कौन से फिल्ट्रेशन से यूज किया गया, किस फिल्ट्रेशन को यूज करके उस प्रोडक्ट को बनाया गया। तो जो इस प्रोडक्ट के अंदर बताया गया वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि एक बहुत ही नेचुरल फिल्ट्रेशन होता है। तो गाइस बाकी इसकी सर्विंग के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। तो गाइस देखिए इसके अंदर जो टोटल सर्विंग है 30 सर्विंग है, टोटल 30 सर्विंग इसके इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड है। तो डेली का एक यूज भी करोगे तो आपका 30 दिन तक यूज होने वाला है ये प्रोडक्ट, बट दो तो करने बनते हैं यार डेली के। तो ठीक है, सर्विंग साइज जो है गाइस, वन स्कूप का जो साइज है वो 32 ग्राम का है। तो जो प्रोटीन लेंगे आप एक चम्मच के अंदर वो 32 ग्राम तक होगा, जिसके अंदर आपको एनर्जी मिलेगी 130 तक, फैट मिलेगी 2 ग्राम तक, प्रोटीन मिलेगा 24 ग्राम तक, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी 4 ग्राम तक, और टोटल जो शुगर है यहाँ पे 1 ग्राम तक। वैसे शुगर का लेवल बहुत ही डाउन है, कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, तो जीरो शुगर ऐड की गई है, जो एक अच्छी बात है। और बाकी गाइज इसकी जो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, अब इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी जो मिक्सिबिलिटी वो कैसी है और टेस्ट में ये कैसा हमें दिखाता है। तो चलिए गाइज इसको फटाफट खोलते हैं, अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है, पूरा का पूरा पैक है, तो चलो इसको खोल लेते हैं फटाफट। सो गाइस इसको मैं फटाफट से खोलने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस जैसे आप इसको खोलोगे तो इसकी सील के ऊपर आपको देखने को इसकी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग लिखेगी ब्रांड की, जो भी इस कंपनी का नाम है फास्ट एंड अप, तो यहाँ पे आपको सील के ऊपर देखने को मिलेगी। जब आप खोलोगे तो इस तरह की ब्रांडिंग आपको देखने की मिलेगी, और ये श्योरिटी हो जाती है कि गाइस ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है जब भी आप बाय करेंगे।
तो गाइस इसको मैंने फटाफट से हाथ से खोलिया, और एक चीज़ सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस प्रोडक्ट की कि गाइस देखिए जी वहाँ पे उन्होंने स्कूप को साथ में होल्ड करने के लिए होल्डर बनाया हुआ है, जिससे कि मतलब हमें हाथ डालने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी हमने अभी तक प्रोटीन देखे हैं, जितने भी डब्बे हमने खोले आज तक, उनका स्कूप निकालने के लिए मुझे हाथ तो पूरा अंदर ही ऐड करना पड़ता है, और फिर हाथ को थोड़ा सा पाउडर आपको पता लगता है और काफ़ी थोड़ा सा सही से नहीं लगता। तो यहाँ पर होल्डर लगा रखा है, वो एक मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी इस प्रोडक्ट की। तो गाइज यहाँ पे पाउडर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि चॉकलेटी फ्लेवर है। अब एक स्कूप हम लोग अपनी बोतल के अंदर ऐड कर लेते हैं, और मेरी बोतल का मुंह थोड़ा सा छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम होती है हमेशा मुझे। सो गाइज देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लेता हूँ। अब जस्ट हम इसको शेक करके फटाफट देखते हैं कि इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है। तो जैसे ही मैं इसको शेक कर लिया, तो सो गाइस अभी हम इसको खोल के देखते हैं कि कैसी मिक्सिबिलिटी हो चुकी है। देखिए गाइस पाउडर बहुत ही लाइट सा दिख रहा है, कलर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला इसके अंदर कोई लम्स वगैरह। बहुत ही अच्छी तरह से और प्रॉपर तरीके से ये मिक्स हो चुका है, कहीं पे कुछ भी लग नहीं रहा कि कोई लम्स वगैरह छोड़ रहा है ये प्रोडक्ट। तो अच्छा है कि मतलब मिक्सिबिलिटी में कोई मुझे डाउट नहीं लगा अभी तक प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी, और मिक्सिबिलिटी में कोई हमें डाउट नहीं लगा जैसे हमने शेक किया इसको थोड़ा सा, और गाइस इजीली ये मिक्स हो गए, कहीं पे भी लम्स वगैरह मेरे को देखने को नहीं मिले। किसी भी प्रोडक्ट की जो मिक्सिबिलिटी है ये डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो गाइस इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे कहीं पे कुछ लगा नहीं कि मिक्सिबिलिटी में कोई इश्यू है। चलिए अभी इसका टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये जो चॉकलेटी फ्लेवर मंगवाया था, तो देखते हैं कि इसका चॉकलेट का फ्लेवर कैसा आता है। सो गाइस देखिए जैसे कोई डाउट नहीं है मुझे, जिसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है, चॉकलेटी फ्लेवर है, और ऐसा इसके अंदर जो शुगर जो यूज की गई है जीरो शुगर बोला गया है, इसके अंदर जीरो शुगर ऐड है, बट इसके अंदर जो मीठे का टेस्ट आ रहा है बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही लाइट सा टेस्ट बोलूंगा इसको मैं, ज्यादा शुगर वाले लेवल के ऊपर मैं लेके नहीं जाने वाला, क्योंकि इतना टेस्ट शुगर का आ नहीं रहा, लेकिन टेस्ट के मुकाबले मैं यही बोलूंगा कि भाई कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इजिली कोई भी इसको पी सकता है। सो गाइस ये थी इस प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी और टेस्ट। टेस्ट के मामले में कोई डाउट नहीं है गाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका देखने को मिलेगा आपको। अब रही बात गाइस ये प्रोडक्ट जो है गाइस ये ग्लूटेन फ्री है, और ये आपको वेजिटेरियन प्रोडक्ट मिलता है, अगर जो लोग वेजिटेरियन है वो भी इस प्रोडक्ट को इजिली यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगती है कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जाननी है, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इसके रिजल्ट की बात वो हम लोग थोड़े दिन के बाद यूज करने के बाद बताऊंगा मैं कि यह प्रोडक्ट कैसा निकला मेरे केस में, क्या इसको और भी लोगों को सजेस्ट करना चाहिए, तो उसकी वीडियो आपको अलग से देखने को मिलेगी। सो गाइस यही थी इस प्रोडक्ट के बारे में ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।